उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज चंदेल जिले के खोंगलत गांव में आतंकवादी हमले में शहीद हुए 3 असम राइफल्स के जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दी। वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके सम्मान में आयोजित पुष्पांजलि समारोह में शामिल हुए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चुप नहीं बैठेगी और अपराधियों को निश्चित तौर पर इसकी सजा दी जाएगी। इस दौरान एन बीरेन सिंह ने सभी सशस्त्र समूहों से हथियार छोड़ मुख्य धारा में लौटने की अपील की। मुख्यमंत्री ने मणिपुर सरकार की तरफ से सभी शहीदों के परिवारों को उचित सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। इससे पहले एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के शहीद जवान रतन सलाम के परिवार के सदस्यों के साथ भी मुलाकात की और उन्होंने शहीद परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। I strongly condemn the incident which killed with martyrs our 3 jawans and injuring the 4-5 more. And government will not be a silent spectator anymore. We definitely hunt them down and we'll book as per the law. And I want also appeal to them to leave the hostilities, to leave the weapons and come out for a political solution. And India is not like before. India is now a superpower. I am not thrilling them, but we will definitely retaliate. And these terrorist groups will not compromise at any cost. मैं दो बच्चों के लिए क्या बोलूं? अभी बड़ा बहुत सोता है, उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ। मेरा हस्बैंड तो देश के लिए चला गया, कल परसों सुबह बाल हुआ था, सारे 9 बजे ऐसी टाइम। उसके बाद वो मैं हम दोनों 11 बजे तक बात किया। उसके बाद वो खाना खाने के लिए वो चला गया और फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने दिन में फोन नहीं किया, वो नेटवर्क नहीं मिला ना। उसके बाद मैंने रात को 9:30 ऐसे मैंने फोन किया था, रिंग तो चलाया चलता है, फोन तो उठा ही नहीं। मैं तो 11-12 ऐसे उसके फोन का इंतज़ार कर रहा था, उसके फोन तो नहीं आया। सुबह भी मैं पता नहीं ऐसे क्या हो गया। मैं तो घर में काम कर रहा था, किसी ने बोला और मैंने कहा आप कहाँ आए, ऐसे बोला मोबाइल में भी आपका हस्बैंड के साइन में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया बोला। तो मैं तो नर्वस नहीं है, मेरा पति जिंदा है, मैंने सोचा था। और मैं दिन भर मेरा पति आएगा बोला, तो शाम को मेरा पति नहीं आएगा बोला। उसके मोबाइल से मैंने ट्राई किया, स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद में उसका